नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मतदान जन जागृति के लिए दौड़ा नागपुर, सर्वाधिक मतदान पर मिलेगा पुरस्कार। प्रचार के लिए 36 घंटे शेष, मतदाताओं की परीक्षा में कौन होगा पास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मतदान जन जागृति के लिए दौड़ा नागपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान 75% से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रन फॉर डिस्टिंक्शन मैराथन का आयोजन किया गया। कस्तूरचंद पार्क से शुरू हुए इस रन का आयोजन नागपुर महानगर पालिका, जिला प्रशासन और स्वीप समूह के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक आदि शामिल हुए। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर श्रेणी में फन रन को जिलाधिकारी व जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, उपायुक्त अर्जित चांडक, गोरखनाथ भामरे, हरवीर, रेलवे अधिकारी काशीनाथ पाटिल, मनमा के मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड़, उपायुक्त डॉक्टर रंजना लाड़े, मिलिंद मेश्राम, प्रकाश वराडे, सहायक आयुक्त महेश धमेचा, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपा सेलोकर, अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, संक्रामक रोग अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन नवस्वरे, क्षयरोग अधिकारी शिल्पा जिचकार, मनपा क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर पीयूष अम्बुलकर, NDS प्रमुख वीर सेन तांबे, गुरुदास राउत, जयंत दुबले आदि उपस्थित थे। दौड़ में विद्यार्थी, आम नागरिक भी शामिल हुए। वरिष्ठ जन में भी दौड़े डॉक्टर पदाकर चार मोड़े ने विजेताओं के नाम की घोषणा की। संचालक मनपा के जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी ने किया। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। सर्वाधिक मतदान पर मिलेगा पुरस्कार। इस बार लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान करने के ध्येय से शहर की विभिन्न सोसाइटियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। नागपुर मनपा और जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ से इस विशेष उपक्रम का आयोजन किया गया है। उपक्रम को लेकर सोमवार को रेशमि बाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में विभिन्न सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। अपील की गई कि इस उपक्रम में अधिकाधिक संख्या में सोसाइटी हिस्सा ले। कार्यक्रम के दौरान मनपा की चुनाव नोडल अधिकारी व उपायुक्त रंजना लाड़े, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, प्रकाश वराडे, सहायक आयुक्त महेश धमेचा, क्रीड़ाधिकारी पीयूष अम्बुलकर, जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों को सहायक आयुक्त धमेचा ने मतदान की शपथ दिलाई। वर्ष 2019 की तुलना में इस वर्ष अधिकाधिक मतदान हो, इसके लिए शहर भर में जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इस क्रम में सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम खोजने और मतदान बूथ का पता लगाने की तरीके के बारे में बताया गया। उसी प्रकार फोन नंबर पर पूरा नाम और पता व्हाट्सएप करने का आह्वान किया गया। 3 समूह में होगा उपक्रम। नागपुर मनपा और जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से शहर के फ्लैट स्कीम अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी के 3 वर्ग तैयार किए गए हैं। इस उपक्रम में 50 परिवार तक, 50 से अधिक व 100 से कम परिवार और 100 से अधिक परिवार वाले सोसाइटी की 3 समूह तैयार किया गया है। हर सोसाइटी में मतदाता सूची में जिन वोटरों के नाम हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से मतदान करना होगा। सर्वाधिक मतदान करने वाले सोसाइटी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रचार के लिए 36 घंटे शेष, मतदाताओं की परीक्षा में कौन होगा पास। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और बुधवार 17 अप्रैल को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। ऐसे में मंगलवार सुबह 5 बजे से अब उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए आखिरी 36 घंटे बचे हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करने के लिए प्रत्याशियों की भागदौड़ बढ़ेगी और नेता जनसभाओं के जरिए अंतिम मास्टर स्ट्रोक भी देंगे। आखिरी चरण में नागपुर से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामटेक से शिंदेसेना प्रत्याशी राजू पारवीन के प्रचार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जोर लगाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 16 और 17 अप्रैल को 2 दिनों के लिए नागपुर में ताल ठोकने वाले हैं।
उन्होंने राम जन्मोत्सव के दिन सावनेर के नरखेड़ में बैठक करने और जिले में राम मंदिर में दर्शन करने की योजना बनाई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राम टेक के साथ जिले में प्रचार बैठकें कर फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी की 16 तारीख को नागपुर के गिट्टी खदान और कामठी तहसील के विड़गांव में सभा होगी। कांग्रेस के प्रचार के लिए बाहर से बड़े नेताओं के आने की संभावना कम है। नागपुर में विधायक विकास ठाकरे का प्रचार अभियान पूर्व मंत्री विलास मुत्तेमवार, सतीश चतुर्वेदी, नितिन राउत, अनिस अहमद, अभिजीत वंजारी, प्रफुल्ल गुड़के संभाल रहे हैं। पूर्व मंत्री सुनील केदार, अनिल देशमुख, रमेश बंग, जिला अध्यक्ष राजेंद्र मूलक, पूर्व जीप अध्यक्ष सुरेश भोया। रामटेक में कांग्रेस प्रत्याशी श्याम कुमार बर्वे के लिए सभाओं में महायुति को जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी नेता व सांसद संजय सिंह की मंगलवार को बुट्टीबोरी में प्रचार सभा होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।